आपने कई बार न्यूज चैनल पर या ट्विटर में देखा होगा कि अमित शाह की ये वाली फोटो होती है और लिखा होता है चाणक्य ऑफ बीजेपी या चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या मतलब है चाणक्य बोलने का? कहीं अच्छी बात है खराब? अमित शाह को अप्रिशिएट कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं? ये समझने के लिए हमको चाणक्य के बारे में जानना होगा। चाणक्य कौन थे, उन्होंने क्या किया था? फिर अंत में हम ये समझेंगे कि अमित शाह ने ऐसा क्या किया था जो उनको आज का चाणक्य बोला गया। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। वेलकम टू ब्रीदिंग हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल आइकॉन पर जरूर दबाइए। ब्रीदिंग हिस्ट्री के बारे में कुछ भी जानकारी जानने के लिए और आपका सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें। नंदा डायनेस्टी, जिसको नंद वंश भी कहते हैं, उसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। वहां पर एक बहुत विद्वान ब्राह्मण थे चनक। चनक सदैव अधार्मिक तत्वों के विरुद्ध रहते थे और इसी के चलते मगध के राजा धनानंद से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। धनानंद और चनक में शत्रुता इतनी बढ़ गई थी कि धनानंद ने चनक को बहुत प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। चनक को कारागार में भी डाल दिया, एक झूठा मामला बनाया और इसी कारागार में उनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं ब्राह्मण चनक के पुत्र थे विष्णुगुप्त, जो अपने पिता की मृत्यु से हताश होकर पाटलिपुत्र से सीधे तक्षशिला चले गए और इसी छोटी सी आयु में उन्होंने यह प्रण लिया कि वो वापस आकर भ्रष्ट धनानंद के अन्याय से लड़ेंगे। इवेंचुअली विष्णुगुप्त, जिन्हें अब चाणक्य कहा जाने लगा था, तक्षशिला के प्रोफेसर बने और उन्होंने कई सारे विषय पढ़ाना शुरू किए। परंतु विषयों के साथ साथ उन्होंने अपने शिक्षार्थियों को मूल्यों की, अभिव्यक्ति की और राष्ट्रभक्ति की शिक्षा भी दी। तक्षशिला महाविद्यालय आज के पाकिस्तान में स्थित। चाणक्य की राजनीति में रुचि के चलते उन्होंने अपने गुप्तचर चारों दिशाओं में भेज रखे, जो उन्हें समय समय पर सारी गतिविधियों की सूचना देते रहे। यही समय था जब ग्रीस पर अलेक्जेंडर राज कर रहा था और इनके गुप्तचरों के अनुसार वो भारत पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। चाणक्य का मानना था कि भारत छोटे छोटे जनपदों में बटा है और अगर भारत को अलेक्जेंडर को हराना है और भारतवर्ष को बचाना है तो सबको एकत्रित होना ही पड़ेगा। चंद्रगुप्त और चाणक्य कैसे मिले, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही कोइंसिडेंट है। यद्यपि इनके मिलने की बहुत सारी कहानियां मिलती हैं, परंतु किसी भी एक को कंफर्म करना मुश्किल है। उनमें से एक कहानी ये है कि चाणक्य को चंद्रगुप्त अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए दिखे थे। वो लोग कुछ नाटक खेल रहे थे जिसमें चंद्रगुप्त राजा बने थे और उनके कुछ दोस्त प्रजा और कुछ लोग सैनिक। पता नहीं क्या दिखा होगा चाणक्य को चंद्रगुप्त में, उस आयु में उसको वो अपने साथ तक्षशिला ले गए। ये चाणक्य की दूरदृष्टि ही है कि उन्होंने इतनी कम आयु में चंद्रगुप्त में वो अधिनायक देखा हो जो आगे जाके भारतवर्ष का भाग्य लिखेगा। चाणक्य ने उस समय के सबसे शक्तिशाली नंद डायनेस्टी को हराकर मौर्यन साम्राज्य स्थापित किया था, जो अखंड भारत का सबसे बड़ा राज्य था। और यह बात ना लोग ऐसे फास्ट फास्ट बोल देते हैं, परंतु इसको हमको इंटरनलाइज करने की आवश्यकता है। इससे हमको चाणक्य के सामर्थ्य की कल्पना हो सकती है। आप सोचिए, एक तरफ भारत का सबसे बड़ा राज्य नंद डायनेस्टी, जिसके पास हजारों लाखों सैनिक हैं, असीमित धन है और वो सारे साधन उपलब्ध होंगे जो उस समय थे, और दूसरी तरफ एक ब्राह्मण जो तक्षशिला का प्रोफेसर है और एक छोटा बच्चा जिसको उसी ब्राह्मण ने ट्रेन किया है, और ये दोनों मिलके इस नंद डायनेस्टी को नष्ट कर देते हैं। यह एक अकल्पनीय कार्य था, जिससे आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भी धर्म के लिए लड़ने वाला होगा वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, धर्मो रक्षति रक्षितः स्वर्गः परमेवरः अहम त्वाम सर्वेषु कालेषु रक्षामि रक्षितः। और कंपैरिजन तो होता ही है। अनेकों बार मैंने देखा है कि इटली के माकियावेली से चाणक्य को कंपेयर किया जाता है। यह अत्यंत ही बेडोल तुलना है। मतलब कहाँ चाणक्य और कहाँ माकियावेली। इट्स लाइक आप सचिन तेंदुलकर की बैटिंग को कंपेयर कर रहे हो आपके एक्सबॉक्स में क्रिकेट के स्कोर से। और हाँ, जहाँ तक अमित शाह की बात है, वहाँ भी बेडोल तुलना ही है, परंतु यहाँ कंपेरिजन नहीं हो रहा है, क्योंकि चाणक्य राजनीति के सारे पहलुओं में बहुत ही अधिक जानकार थे और उनकी योजनाएं कभी भी विफल नहीं हुई। ये जो पॉलिटिकल सेविनेस थी चाणक्य की,
अब वो एक परिभाषा बन गई। वैसे ही अमित शाह ने गुजरात से लेकर महाराष्ट्र से लेकर सेंट्रल मिनिस्ट्री की पॉलिटिक्स में कई बार ये दर्शाया है कि भले ही देश की सारी राजनीतिक पार्टियां आपके विरुद्ध हों, पर अगर सही ढंग से किया जाए तो विजय तब भी संभव। आपको क्या लगता है अमित शाह को चाणक्य बोले जाने के बारे में? हमें कॉमेंट्स में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।